श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास भगवान के प्रेम को सिखाने वाला, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला मास है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महीना राधा रानी का अपना महीना है। इस कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। राधा रानी का कृपा का पात्र वो बनता है जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, और प्रेम निर्भर करता है संबंध पर। जितनी रिलेशनशिप हमारी गाढ़ी होगी ना, उतना प्रेम होगा। हमारे आचार्यगण कहते हैं, भगवान से जो हमारा प्रेम होगा, भगवान को तो हम जानेंगे बाद में, पहले अपने आप को तो जाने। मैं कौन हूँ हमको पता नहीं, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भगवान के बारे में, ये कैसे होगा? तो मैं कौन हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा रिलेशन क्या है, ये रिलेशनशिप डेवलप कैसे होती है, ये सब कुछ निर्भर करता है इस अंतःकरण में। अंतःकरण में ये सब कुछ स्फुरित होता है। अगर ये अंतःकरण परिष्कृत है, अगर ये अंतःकरण बिल्कुल क्लीन है, अगर ये अंतःकरण बिल्कुल साफ है, तो ये सब अपने आप झलकते हैं। मैं कौन, भगवान कौन, भगवान से मेरा संबंध क्या, संसार का स्वरूप क्या है, मेरा संसार से संबंध क्या है, ये सारे कुछ रियलाइजेशन होने लगती है। लेकिन अगर अंतःकरण गंदा है, पिछले पापों के कारण, पापों के इम्प्रेशंस के कारण, और संसारिक तमाम उपाधियों के कारण अगर ये गंदा है, तब कुछ पता नहीं लगेगा। तो अगर ये अंतःकरण हमारा गंदा है, तो इसको साफ करने का जो प्रोसेस, साफ करने का जो प्रोसीडियर, साफ करने का जो तरीका, वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। यहीं से, इस सफाई अभियान से, अंतःकरण के परिष्कार करने की साधना से ही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का शुभारंभ होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्रूपी दर्पण को मार्जित करो। और ये चित्रूपी दर्पण मार्जित होगा कैसे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन से। श्री कृष्ण संकीर्तन का मतलब, श्री का मतलब होता है सौंदर्य, श्री का मतलब होता है शक्ति। किसका सौंदर्य, किसकी शक्ति? तो वहां पर बताया कृष्ण, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की शक्ति। वो कौन है? राधा रानी। आप कभी बरसाना जाए तो राधा रानी के मंदिर में आप राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाएं, वो सीढ़ियाँ चढ़ें तो वहाँ पर लिखा है श्री जी टेम्पल। सारे ब्रजवासी कहते हैं वो श्री जी के मंदिर में जा रहे हैं, श्री जी को प्रणाम करने जा रहे हैं। तो श्री का मतलब राधा, तो श्री कृष्ण संकीर्तन का मतलब राधा कृष्ण संकीर्तन। और ये जो महामंत्र है इसमें हरे का मतलब राधे तो है, तो श्री कृष्ण संकीर्तन का मतलब राधा कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन क्या करता है? हमारे अंतःकरण को साफ करता। बस एक शर्त है, वो शर्त ये कि गंद नहीं फैलानी। अब ना बच्चे को बोला जाए, बेटे ये कमरा साफ करो, वो साफ भी करता रहे और धूली गर्दा भी डालता रहे, साफ भी करता रहे, मिट्टी भी डालता रहे, साफ भी करता रहे और गंदगी भी डालता रहे, तो कमरा कैसे साफ होगा? धीरे धीरे साफ करेगा तो थोड़े टाइम लगेगा लेकिन साफ हो जाएगा, जल्दी जल्दी साफ करेगा तो थोड़ा कम टाइम में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर शर्त यह है कि दोबारा गंदा उसको नहीं करने देगा। इसी तरह अगर हम अपने अंतःकरण को साफ करना चाहते हैं, तो हमको ये शर्त रखनी होगी, ये संकल्प करना होगा कि मैं अब जानबूझकर पाप नहीं करूँगा। और ये संकल्प चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद जी ने महान पापी जगाई मदाई को रखवाया था। जब वो जगाई मदाई महाप्रभु के शरणागत हो गए, नित्यानंद शरणागत हो गए,
तो उनका देखो जगह में तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम? हरिनाम करो। कहते हरिनाम तो करना पड़ेगा, तुमको संकल्प लेना पड़ेगा कि जगाई मदाई आर न करिस पाप। जगाई मदाई, आज के बाद तुम पाप नहीं करना। और उन्होंने बोला आर ने पाप, ठीक है प्रभु आज के बाद पाप नहीं। और जो जगाई मदाई महान पापी थे वो परम वैष्णव बन गए, परम भक्त बन गए। तो ये अंतःकरण को साफ करने का तरीका ये होता है कि हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम और पाप नहीं करेंगे, और इधर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। इससे हमारा अंतःकरण साफ होगा। जब हमारा अंतःकरण साफ होगा तो ये अनुभव आएगा मैं कौन हूं, आत्म तत्व प्रकाशित होगा, भगवान कौन है, परमात्म तत्व प्रकाशित होगा, भगवान से मेरा संबंध क्या है, ये संबंध ज्ञान प्रकाशित होगा, ये संसार क्या है, ये संसार की नश्वरता प्रकाशित होगी, ये सारा कुछ ज्ञान अपने आप हो जाएगा चित्त रूपी दर्पण के मार्जित होने से। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश यहीं से शुरू होता है। हाँ, किसी का चित्त थोड़ा कम गंदा है, किसी का थोड़ा ज्यादा गंदा है, किसी का बहुत ज्यादा गंदा है, उसमें यह है कि थोड़ा टाइम पीरियड कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन साफ अंतःकरण हरि नाम से ही होगा। ऐसा कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना कि उसको मन को साफ कर लें आप, ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी कि वो अंतःकरण को निकाला उस वॉशिंग मशीन में डाला और 15 मिनट बाद बाहर और साफ हो गया आ जाएगा। ये अंतःकरण साफ होगा। चैतन्य महापुरुष कहते हैं हरे रनामैव केवलम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण महामंत्र से ये चित्रपी दर्पण मार्जित होगा। जिस चित्रपी दर्पण मार्जित होने से मुझे अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप, संसार का स्वरूप और भगवान से मेरा क्या संबंध है, वो संबंध ज्ञान उदित होता है। और संबंध ज्ञान उदित होने से ही भगवान में प्रेम जागेगा। शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक कार्तिक मास के पहले याम कीर्तन में स्मरण किया जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृति आस्वादनम। ये भगवत नाम ऐसा है, आप करते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़े प्रतिपदम हर कदम पर पूर्णामृति आस्वादनम आनंद आनंद बढ़ता है। आनंदम अम्बुदिवर्धनम कहते आनंद समुद्र हृदय में हिलोरे लेने लगता है, जैसे समुद्र की लहरें ऐसे आनंद की लहरें हृदय में आती है। प्रतिपदे पूर्णामृति आस्वादनम सर्वात्म स्नपरम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण।